आपके बीच मौजूद है, वो वक्त का ध्यान रखते हुए अपने आज इस चुनावी सभा का सदारत कर रहे डॉक्टर समीम साहब, मंच पे शिरकत कर रहे हमारे पार्टी के तीसरे नंबर का शेर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब इस मंच पे शिरकत कर रहे हैं, हमारे बिहार के शेर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब इस मंच पर शिरकत कर रहे हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब और युवा सम्राट आदिल हसन आजाद साहब और इस महफिल में बैठे हुए सभी लोगों को मैं मिथिला की ओर से, दरभंगा की ओर से आदाब सलाम प्रणाम और चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समय का अभाव है, कमी है, बस दो बात कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। भाई राणा रणजीत सिंह जी के लिए आप लोगों को याद होगा कि वर्ष 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 11 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और फ्लोर टेस्ट करने के लिए उनको बोला गया था, तो उसका फ्लोर टेस्ट हुआ, जिस फ्लोर टेस्ट को रोकने का काम डॉक्टर मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब किए थे। किस पार्टी में थे आप लोग को मालूम होगा, एक बार बोलिए किस पार्टी में थे। राष्ट्रीय जनता दल में, उसी पार्टी में 20 साल तक मैं भी था। झंडा बैनर पोस्टर और डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बिहार का हम दौरा करते थे, सीतामढ़ी सिवान मोतिहारी तमाम जगह जाते थे। तो आप लोग को एक ही बात कहने के लिए आए हैं कि जब 2000 ईस्वी में अकेला बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पूरे जेल का फाटक तोड़ दिया और पूरे बिहार के क्रिमिनल को बाहर कर दिया कि हमारे फ्लोर टेस्ट को बचा लो, लेकिन मरहूम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब उसको नाकाम करने का काम किया और अकेला फिर पूरे बिहार में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाने का काम किया। तो जो आदमी मरहूम साहबुद्दीन साहब के परिवार का नहीं होगा तो वो आपका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा और किसी का नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग से अपील करता हूँ, एक छोटा सा हम लोग को मिथिलांचल में कहावत है, चार वास 24 गज अंगुल प्रमाण, ताई पर है सुल्तान, मत चुको चौहान। मेरे भाई, पूरे मुसलमान और पूरे राजपूत अगर एकजुट हो गए तो निश्चित रूप से राणा रणजीत सिंह आप लोगों का खिदमत करेगा, शिवहर का सांसद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।